दोस्तों आज IPL में पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया। आज के मुकाबले में राजस्थान के कप्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। टॉस हारकर पहले खिलाई पंजाब की टीम और पंजाब की शुरुआत खराब रही। प्रभसिमरन सिंह मात्र 2 गेंद पर 2 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान शिखर धवन भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और 12 गेंदों पर सिर्फ 17 रन बनाकर आउट हो गई। उन्होंने 2 चौके और एक शानदार छक्का लगाया, जबकि अरथव ताडे 12 गेंदों पर 19 रन बना सके। उसके बाद जीतेंद्र शर्मा ने 28 गेंद पर 44 रनों की बेहतरीन पारी खेली और 3 चौके और 3 शानदार छक्के लगाई। सेम करने भी 31 गेंदों का सामना करते हुए 49 रन बनाई और 4 चौके और 2 शानदार छक्के लगाई। इस प्रकार पंजाब ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 127 रन बनाई और राजस्थान को जीत के लिए 128 रनों का टारगेट दिया। उसके बाद टारगेट का पीछा करते हुए राजस्थान की शुरुआत खराब रही। 4 गेंदों का सामना करने के बाद जोश बटलर बिना खाता खोले आउट हो गई। उनको कशिगो रबाड़ा ने LPW आउट किया। यशस्वी जायसवाल 36 गेंद पर 50 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 8 शानदार चौके लगाई। देवदत्त पाटिल में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 51 रन बनाए। 30 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने 5 चौके और 3 शानदार छक्के लगाई। कप्तान संजू सैमसन आज के मैच में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और 3 गेंद पर 2 रन बनाकर आउट हो गई। फिलहाल 14.3 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 137 रनों पर 4 विकेट हो चुके हैं और अभी भी राजस्थान को जीत के लिए 33 गेंदों पर 51 रन चाहिए और राजस्थान के 6 विकेट शेष हैं। आपको क्या लगता है राजस्थान के मुकाबला जीत पाएगी या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा और क्रिकेट से जुड़ी इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।